हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट का कुछ जो बेसिक ट्यूटोरियल है, जहां से हमको एडोबी आफ्टर इफेक्ट, अगर आप मेरी तरह एडिटिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से आप बेसिक से शुरू करेंगे, तो एक छोटा सा जो है ट्यूटोरियल मैं देने वाला हूँ, जो आपको मेरी तरह वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी मदद आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज जो है आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप मास्किंग या रोटोस्कोपी जो है कर सकते हैं। इसकी मदद से जो है आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, वो भी बिना ग्रीन स्क्रीन के। दोस्तों, आपके पास अगर कोई वीडियो है जो ग्रीन स्क्रीन का नहीं है और आप चाहते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड आप रिमूव करें, तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसी टेक्निक यूज़ करके जो है आप मेरी तरह वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए कि वीडियो में से आप किस तरह से एक एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको किस तरह से, मतलब आप फ्रंट लेयर की तरह जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम जो है यहाँ प्रोजेक्ट पे की क्लिक कर लेते हैं, और ये हमारा जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ से चलिए हम जो है एक कोई सा भी एक वीडियो फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो है फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमको कोई सा भी एक वीडियो जो है हमको इंपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए, मैंने जो है बागी का ही एक वीडियो क्लिप जो इंपोर्ट कर लिया है, और इसको यहाँ से पकड़ के हम जो यहाँ पर लेके छोड़ देंगे, तो इस तरह से जो है हमारा एक कॉम्पोजिशन जो है बन जाएगा। आप इसका जो है नाम भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ से जो है मैं आपको कोई एक क्लिप, छोटा सा क्लिप देख देता हूँ जिसमें हम अपना वर्क करेंगे। तो चलिए यहाँ से जो है ऊपर से इसको मैं इस तरह से ट्रिम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। और यहाँ से कहाँ तक का क्लिप हमें यूज़ करना है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा क्लिप है, ठीक है, तो इसको यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं। तो हमारा जो है इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ हम अपने माउस के क्रॉसर में राइट क्लिक करके यहाँ से जो ट्रिम टू कम एरिया में क्लिक कर देंगे। यानी कि दोस्तों हमारा जो है अब इतना जो है प्रोजेक्ट पे, इतने बड़े एरिया पे जो है इस क्लिप पे हमको काम करना है। तो दोस्तों ये क्लिप हमारा आ गया, और अब जो है हम इस वीडियो क्लिप पे जो बैकग्राउंड है उसको हम रिमूव करने वाले हैं। यानी कि जो है हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो रह जाएगा, और बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कैसे होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहला तरीका जो है आप पेन टूल ले सकते हैं, और उसके बाद में अपने जो माउस है उसका जो सेंट्रल स्क्रोल है उसको आप आगे पीछे करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी कि जूम इन जूम आउट जो है कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है थोड़ा सा अपने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद में आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस को अगर क्लिक करके रखेंगे तो इस तरह से आपको हैंड टूल आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आप जो है इस तरह से अपने स्क्रीन को आगे पीछे साइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से जो है हम मास्किंग शुरू करते हैं। तो पेन टूल से सबसे पहले आप यहाँ से इस तरह से क्लिक करते जाइए।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो है वीडियो वो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। मगर दोस्तों क्योंकि ये वीडियो क्लिप है और इसमें जो है आपको हर फ्रेम में एक मूवमेंट नज़र आएगी, तो उस मूवमेंट को भी जो है आपको एनिमेशन देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरह से मूवमेंट है, इस वजह से क्या है इसको हमको एनिमेशन देना है ताकि ये परफेक्टली हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फिट बैठे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे स्टार्टिंग फ्रेम में आप ले जाइए और यहाँ से जो है अपना, चलिए यहाँ से आप इस क्लिप को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ जो है एम प्रेस कर कीजिए तो आपको मास्क पाथ जो है आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ की फ्रेम का ऑप्शन आपको मिलेगा तो इसको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हर फ्रेम जो है हर फ्रेम में हमको मास्किंग करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 3 4 5 हर 5 फ्रेम के बाद, 5 फ्रेम के बाद आपको जो है आपका जो मास्किंग है उसको सेट करना है। तो यहाँ से 5 फ्रेम हो गया, अब जो है आप इसको जूम करके अपने मास्किंग जो जो मास्क मास्क है यहाँ क्लिक कर दीजिए। चलिए कलर जो है थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ से चाहे तो आप आपका जो मास्क का है उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक हमारा जो है 5 फ्रेम के बाद भी हमारा जो मास्किंग है वो ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो एडजस्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है एक ट्रिक मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये मास्किंग है, अगर आप ये तीनों अगर सिलेक्ट रहेगा और उसके बाद में आप इसको करेंगे तो ये पूरा जो है पूरा मास्क जो है वो आपको मतलब शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको चलिए मैं CTRL जेड करके बैक कर देता हूँ। और अगर आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप एक एक पॉइंट को जो है ये देखिए एक एक पॉइंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि आपको पूरा जो फ्रेम है उसको शिफ्ट करना है या एक एक जो आपने पॉइंट बनाया है उस पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे। तो फिलहाल जो है हमारा यहाँ तक ठीक है, तो फिर नेक्स्ट 5 फ्रेम तक हम ले जाएंगे, 2 3 4 5 और अब जो है जूम करके जो है हम अपने क्लिप को देख लेंगे कि कहीं कुछ एडजस्टमेंट है या नहीं। दोस्तों अगर इसमें आपको पता नहीं चल रहा है तो यहाँ से जो है ये ऐड वाला ऑप्शन है इसको आप नन भी कर सकते हैं और यहाँ से जो है आपको पता चल जाए कि आपका जो मास्क पॉइंट है उसको कहाँ कहाँ सेट करना है, तो इस तरह से भी इसको नन में रख के आप जो है मास्किंग कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको पूरा वीडियो का जो पूरा क्लिप है उसमें मास्किंग करना है। मैं पूरा अगर क्लिप मास्किंग इस तरह करूँगा तो टाइम लगेगा, ये जस्ट आपको सिर्फ बताने के लिए है कि इस तरह से आपको पूरा हर 5 सेकंड का फ्रेम के बाद आपको जो है पूरा इस तरह मास्किंग करना है। और इस तरह से जो है आपको यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है एक आपको की फ्रेम इस तरह से बनता जाएगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और अब जो है आपको मैं कुछ ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ कि इस मास्किंग में कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो
तो यहाँ दोस्तों, यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ अगर क्लिक करके, अगर सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऑब्जेक्ट वो रिमूव हो जाएगा और बैकग्राउंड रह जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, तो ये चीज़ भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो दो ऑप्शन है आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए, या तो आपको जो है ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दो ऑप्शन जो है मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बैकग्राउंड में आप कोई भी अगर वीडियो या कुछ भी लगाना चाहते हैं तो सिंपल है, आप यहाँ पे जो है वीडियो मैनेजर में यहाँ यहाँ क्लिक करके आप अपना कोई भी वीडियो जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से जो है आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और एक भी सेटिंग आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका जो एज है ये ज़्यादा शार्प नहीं है, तो यहाँ पर आप इस लेयर को क्लिक करके यहाँ से अपने कीबोर्ड पे एम प्रेस कीजिए और उसके बाद में आपको जो है ये इस मास्क वाले ऑप्शन को यहाँ क्लिक करना है। तो आपको जो है मास्क फेदर का ऑप्शन है आपको एक मिलेगा, तो यहाँ से जो है आपका फेदर जो है वो कम बेसी कर सकते हैं। तो इस तरह से दो या तीन अगर रखेंगे तो यहाँ आप यहाँ एज देख सकते हैं कि ये जो है इसका फेदर जो है कम बेसी हो जाएगा, यानी कि एज का जो शार्प है वो थोड़ा सा कम बेसी हो जाएगा। तो ये वाला भी एक चीज़ है आप कर सकते हैं। और जिस तरह मैं अपना वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट करता हूँ, तो उस तरह आपको भी जिस कन्वर्ट करना है तो यहाँ इस वाला ऑप्शन जो है इसको आप क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो रहा है, ग्रीन में आ गया है, यानी कि अपना जो ग्रीन वीडियो जो है वो बन गया है, ये देख सकते हैं। तो आपको भी अगर जो है यहाँ से अगर इसका कलर अगर चेंज करना है तो सिंपल आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन में जाइए और कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाके आप यहाँ से जो है ये बैकग्राउंड कलर है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं, इसको ओके कर दीजिए तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड वो चेंज कर सकते हैं, इसमें किस कोई भी बैकग्राउंड जो है आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।